लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ गुरुवार को विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन गेट नंबर 3 का ताला लगे होने के कारण काफी देर तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। इस पर भड़के राज्यपाल ने कहा कि ये काफी शर्मनाक है और लोकतंत्र इस तरह से नहीं चल सकता। राज्यपाल ने कहा है कि विधानसभा स्थगित होने का मतलब ये नहीं है कि सचिवालय बंद कर दिया जाए। आई एम हियर टू एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्पेक्टेड रिगार्डेड वी हैव अ गुड अप्रोच टू वेलफेयर ऑफ द पीपल एट लार्ज। आई हैव बीन मायसेल्फ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर 30 इयर्स अगो। आई नो कि पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, दैट डजंट मीन पार्लियामेंट बिल्डिंग इज क्लोज। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रोटोकॉल के अनुसार मुझे गेट नंबर 3 से प्रवेश करना था, लेकिन ये गेट बंद था। गेट क्यों बंद किया गया था? विधानसभा 2 दिन के लिए स्थगित होने का मतलब ये नहीं कि गेट बंद कर दिया जाए। विधानसभा की कार्यवाही 2 दिन के लिए स्थगित किए जाने पर गतिरोध के बीच राज्यपाल ने कहा था कि गुरुवार को वो विधानसभा जाएंगे और ऐतिहासिक इमारत को देखने के साथ साथ लाइब्रेरी भी जाएंगे। In my reaction, I was very happy. The speaker need not agree with me. I need not agree with the speaker. But such attitude was welcome. I don't know why they revised the speech, why they changed their stand, and why was there warmth. Sir, do you feel insulted? One second. As governor, I don't want to feel insulted. I have to improve the system. My job is to play constructive role. My role is that everyone believes in the Indian Constitution. हालांकि राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने पर गेट नंबर 3 बंद मिला, जिसके बाद राज्यपाल दूसरे गेट से अंदर दाखिल हो सके। राज्यपाल ने इस पर नाराजगी जताई और कहा है कि यह अपमान है और ये एक साजिश की तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा है कि सत्र नहीं चल रहा इसका मतलब ये नहीं कि विधानसभा बंद रहेगा, पूरा सचिवालय खुला रहना चाहिए। राज्य में विधानसभा की कार्यवाही 2 दिन तक के लिए स्थगित है, जिसके बाद टीएमसी के साथ गतिरोध और भी बढ़ गया है। इसके पहले राज्यपाल ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा था कि वे संविधान का पालन कर रहे हैं और कोई रबड़ स्टैंप नहीं है। राज्यपाल और टीएमसी के बीच गतिरोध तब और गहरा गया था जब विधानसभा स्पीकर ने सदन को 2 दिन तक के लिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि कुछ विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली थी। वहीं राजभवन ने इस दावे को खारिज किया है।